क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ गैस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ वेव पाथ, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद अ एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। तो मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से कोई भी गैस जो है, सपोज करो कि इसके अंदर में कोई गैस है, वो ट्रैवल करते रहता है, वो स्पीड से घूमते रहता है, वो इधर से इधर से इधर से इधर से, कोई भी सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ वो जिगजैग पाथ में ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन वो रैपिड मोशन में होते हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो किधर भी जा सकते हैं। तो वो कहाँ कहाँ से उसमें कोलिजन हो सकता है, वो कंटेनर के वॉल से वो टकरा जाए, कोलाइड कर जाए और वो आपस में आ जाए, हो सकता है किसी मॉलिक्यूल से वो टकरा जाए फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज करेगा लेकिन वो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रैवल करेगा, वो कभी भी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करना नहीं चाहेगा। वो जब भी कोलाइड करता है वहाँ पर, ये जो थ्योरी होता है वो क्या होता है, सपोज करो कि कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ से है, वो यहाँ से इस तरफ के लिए मूव कर रहा है और इस तरफ मूव करते हुए एक मॉलिक्यूल से वो टकराता है, तो ये मॉलिक्यूल्स के बाद ये स्ट्रेट लाइन में ही इधर की तरफ डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन में होगा, ये कभी भी सर्कुलर पाथ नहीं आता। अगर ये वॉल में टकराएगा तो ये हो सकता है फिर से वो स्ट्रेट लाइन बनाकर वो इस तरफ में मुड़ जाए, तो ऐसा होता है। तो ये काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से ये ऑप्शन सी जो है, स्ट्रेट लाइन पाथ, वो बिल्कुल भी सही है। दैट्स ऑल।